तो चैप्टर नंबर वन ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका नाम इन्होंने रखा है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स, टैग्स एंड एलिमेंट्स, ये तीन बातें इसमें कवर होंगी। अच्छा, तो लेकिन उससे पहले हाँ, ये HTML की बुक है, HTML एंड CSS, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट डज इट मीन बाय HTML, व्हाट इज HTML एंड व्हाट डज इट मीन बाय H और T और ML? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो सब लोगों को माशाल्लाह पता है, गुड। अच्छा, तो हाइपर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या मतलब, गुस्से में नहीं, मतलब हाइपर लिंक गुस्से में इसलिए हाइपर बोल रहे हैं, मतलब हाइपर का क्या मतलब? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर वो कोई दूसरे पेज पे लेके जा रहा है तो उसको हम हाइपर लिंक बोल सकते हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा, बाकी अपना ओपिनियन देना चाहे कोई, HTML स्टैंड्स फॉर तो सब ने सही बताया। अच्छा, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, ठीक है, ये इसलिए पूछता हूँ मैं कि आप में से कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है तो वो निकल के सामने आए ताकि हम फिर उसको यहाँ बिठाएं, सही है नहीं? भाई ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आप में से कोई आके पढ़ाए क्लास, मतलब ऐसे देखो ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसका ये मतलब नहीं है मैं सबसे बड़ा तुर्रम खान हूँ, सही है, मैं भी आप ही की तरह एक आम सा बंदा हूँ, आप लोग सीखने आए हैं, मैं भी सीखने आया हूँ यहाँ पर, तो कुछ आपको जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा दूँगा, जो आपको आता है वो आपसे सीख भी लूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप मुझे बहुत चीज़ें सिखा कर जाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो हम एक दूसरे को सिखाएंगे, ऐसे क्लास वन वे नहीं होनी चाहिए, क्लास टू वे होनी चाहिए, तो बहुत सारी बातें मैं आपसे करूँगा, बहुत सारी बातें आप मुझसे करेंगे, तो अच्छा ज़रा ओपिनियन अपना दें प्लीज़ सब लोग, कि व्हाट डज इट मीन बाई हाइपर टेक्स्ट और फिर मार्कअप लैंग्वेज क्या, ऐसे सुन के कुछ जहन में आ रहा हो, कोई मार्कअप डिक्शनरी में किस चीज़ को कहते हैं? जी दोस्त, टेक्स्ट आपके सर से गायब है, मार्कअप मतलब हाईलाइट करना, डॉक्यूमेंट को स्विच करने को हाइपर कहते हैं, सही है, मोर और लेस सब लोगों ने सही बताया। देखो, जो हाइपर टेक्स्ट होता है इसका मतलब है कि आप इस टेक्स्ट को जब छुएंगे तो कुछ होगा, जब आप सब लोग इंटरनेट के डेली यूज़र हैं, जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गूगल पर आपने लिखा, मिसाल के तौर पर कार लिखा, आपने कार लिखा तो नीचे बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए, तो आप क्या करते हैं, पहला रिजल्ट उसको क्लिक करते हैं या टच करते हैं, तो कुछ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किसी दूसरे पेज पे ले जाता है, समटाइम कुछ और भी हो सकता है, समटाइम कोई पॉपअप निकल के आ जाता है, समटाइम उसको क्लिक करने से कोई आवाज़ आती है, तो कुछ होगा, तो हाइपर टेक्स्ट है। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसकी स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, मार्कअप लैंग्वेज से को समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखें, एक न्यूज़पेपर है जो प्रिंटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है और उसी का एक डिजिटल वर्जन नीचे टैबलेट पे खुला हुआ है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि वेब पेजेस या वेबसाइट्स इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये पहले से ही मौजूद जो प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करती थी चीज़, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि पम्फ्लेट, उसी की एक डिजिटल फॉर्म है, काइंड ऑफ, सही है, या उसी का एक डिजिटल वर्जन कह लें आप उसको, ठीक है, नॉट समथिंग न्यू। वेबसाइट पे भी फोटो होती है तो क्या न्यूज़पेपर पे नहीं होती थी? उसमें भी होती थी, हाँ, वेबसाइट पे कुछ एडिशनल चीज़ें हो जाती हैं, वीडियोस लग जाती हैं जो पेपर पे पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट जो है वो हाइपर होता है, टच करने से कुछ होता है, न्यूज़पेपर में ये नहीं होता था, लेकिन एक्चुअल में है ये वही चीज़, उसी चीज़ का एक नया वर्जन है, जैसे कि फ़ोन के अंदर जो कैमरा होता है आपके, वो दैट इज़ नॉट एंटायरली न्यू थिंग, कैमरा एक पहले से कुछ होता था कैमरा, वही ये भी है, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होती थी, तो ये वाला चक्कर है। अच्छा, तो हम कहानी समझते हैं बिल्कुल शुरू से, जब इंटरनेट नया नया आया था, इंटरनेट जब नया नया आया था तो उस वक्त इसका जो यूज़ केस था ना, ये इस्तेमाल कहाँ होगा, ये किसी को भी पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो करते क्या थे लोग ये करते थे, अच्छा यार, अच्छा इंटरनेट ये वाला भी नहीं था कि पूरी दुनिया वाला, जैसे मेरे घर पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर होता भी बहुत कम लोगों के पास था, लोग होम नेटवर्क बनाते थे,
कि एक कंप्यूटर फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से तार खींच दिए ग्राउंड फ्लोर पे, एक दूसरा कंप्यूटर है। अब एक भाई बैठ जाता था इधर, एक भाई बैठ जाता था उधर, इधर से लिखते थे हाय ट्रिंग और नीचे हाय पहुँचता था, टर्मिनल पे लिखते थे, टर्मिनल पे ही पहुँचता था। तो ये था इंटरनेट का यूज़ केस जब ये नया नया आया था। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यार चलो मोहल्ले मोहल्ले में बिछा लेते हैं तार, तो सिर्फ ऊपर नीचे फ्लोर को हटा के फिर पूरे मोहल्ले में हो गया। तो मेरा कोई स्कूल मेट है, मैंने उसको बोला कि यार तेरे कंप्यूटर का आईपी, लास्ट टाइम समझा था आईपी क्या होता है, मैं उससे पूछा यार आईपी क्या है बताओ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त फ़ोन नए नए होते थे, घर में एक फ़ोन होता था, एक मोबाइल फ़ोन होता था घर में। ठीक है, उसको सब मतलब घर में कॉमनली यूज़ होता था। तो स्कूल में दोस्त से नंबर लिख कर लाते थे कि यार तुम्हारे घर का जो मोबाइल है उसका नंबर क्या है, नंबर लिख कर लाते थे। फिर घर आके 25 मैसेजेस का एक पैकेज हुआ करता था उस ज़माने में, पता नहीं, तो 25 मैसेज उसमें मिल जाते थे, पता नहीं 8-10 रुपए के, इमेजिन कर रहे हो। एक मैसेज, मैसेजेस की बुक होती थी, तो उससे देख के मैसेज टाइप करके उसको भेजा और अगले दिन फिर जाके वेरीफाई कर। अच्छा, वो जवाब नहीं देगा मैसेज में, क्योंकि उसके पास भी तो 25 है ना, वो जवाब नहीं देगा, वो बस मैसेज मिल जाएगा वो पढ़ लेगा, फिर अगले दिन जब स्कूल जाएंगे तो वेरीफाई करेंगे कि यार मैंने तुझे कल 2 बजे मैसेज भेजा था, मिल गया था क्या? वो कहता था हाँ मिल गया था। कह रहा यार मैंने नेक्स्ट वीक संडे वाले दिन मेरी अम्मी ने कहा कि पैकेज करवा दूंगी, तो मैं भी मैसेज करूंगा संडे वाले दिन। समझ रहे, मतलब ये वाला लेवल था। तो काइंड ऑफ इंटरनेट जब नया नया था ना, तो उसमें भी यही कुछ, यही वाला लेवल था। तो मतलब स्कूल मेट है, मैं उससे गया, मैंने कहा यार तू अपनी आई पी तो बता, मैं 2 बजे ना कंप्यूटर पर बैठता हूँ, मेरी अम्मी मुझे 2 बजे से 3 बजे तक अलाउ करती हैं कंप्यूटर। ऐसे ही होता है, बच्चों की टाइमिंग बंदी भी होती है, फिर 2 बजे 3 बजे मदरसा जाना है, ऐसे वाला। मैंने कहा मैं 2 बजे ना तू भी ऑन करना, मैं तुझे हाय बोलूँगा। तो 2 बजे वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, मैंने उसकी आईपी पे मैसेज भेजा हाय, उधर पहुँच गया, वहाँ से यहाँ आ गया खुश, दैट्स इट। तो दैट वाज द फर्स्ट यूज केस ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, तो फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि टर्मिनल वाले कंप्यूटर ख़त्म हो गए, उसके बाद यूआई वाले कंप्यूटर आ गए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हो गया। ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, ग्राफिक्स है, ये पहले नहीं होती थी, ये उस इंटरनेट के बाद आई है, इंटरनेट इज़ ओल्डर। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आ गया तो ये टेक्स्ट मैसेज अब ग्राफिक्स में होता था। फिर उन्होंने सोचा यार कि जो बिजनेसेस होते हैं ना, इनके विजिटिंग कार्ड होते हैं, इनके पंफलेट होते हैं। पहले ज़माने में मार्केटिंग कैसे होती थी, मतलब जो ट्रेडिशनल था, पर्चा बंटता था मस्जिद के बाहर, अभी भी आप देखा होगा कुछ लोग बांटते हैं, तो दैट वाज मार्केटिंग। बिलबोर्ड लगते थे, पर्चा बंटता था, न्यूज़ में इश्तेहार आता था, कोई बहुत ही बड़ी कंपेन चल रही है तो हवाई जहाज़ चलाते थे शहर के ऊपर, और ये पूरा वो बोरा खाली करते थे और वो पूरे शहर में फैल जाता था। वो हमने नहीं देखा वो दौर, आप में से भी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा होता रहा है, शायद 80s में या 70s में ऐसा होता रहा है। तो वो जहाज़ चलाते थे, वो किसानों के पास होती है ना जो जहाज़, उस वाले जहाज़ की बात होगी, किसान से किसी से उधार लिया किराए पे और बस बोरा भर लिया पंपलेट का और शहर के ऊपर से जाते हुए बस गिराते हुए चले गए। किसी ने वाइस सिटी खेला है तो उसमें दिखाते हैं, ये उसमें दिखाते हैं ना, हेलीकॉप्टर से गिराते हुए जाते हैं पर्चा इन्विटेशन। तो वो होती थी मार्केटिंग, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत पैसे वाला है। तो ये था उस दवा। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसमें प्रॉब्लम ये था कि भाई पंपलेट आपने बांट दिया, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर कोई भी नाम है, आजकल तो कोचिंग सेंटर के ही बैठते हैं पर्चे, तो अब वो पर्चे में ये थोड़ी लिखा हुआ आएगा, वो तो छप गया, एक बार छप गया, अब नया एडमिशन आ गया, नई क्लासेस हो गई, कोई नई डेवलपमेंट हो गई कोचिंग में, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो पर्चा तो छप गया। या कोई इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने अपना पर्चा बांट दिया कि भाई LED TV 26,500, उसके फौरन बाद क्या हुआ, $240 का हो गया 26,000 वाला आइटम, तो वो 55,000 में पहुँच गया। अब वो पंपलेट में तो छप गया ना, अब वो क्या करते हैं, वो सारे पंपलेट को बैठ के मार्कर से उसको करेंगे, उसके नीचे दूसरे, क्योंकि वो तो छपवा लिए उन्होंने, 50,000 छपवा लिए, मार्कर से चेंज करेंगे, उसके बाद उसको फिर बांटेंगे, तो बहुत बड़ा मसला था। ये कस्टमर के पास जा चुका है, पहुंच चुका है, फ़ोन नंबर उनका चेंज हो गया, किसी भी वजह से एड्रेस चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, वो पर्चा तो छप गया, वो जिसके पास चला गया चला गया, देयर इज़ नो वे टू कम्युनिकेट। तो उन्होंने बोला यार क्यों ना हम ना एक काम करते हैं, इसी पंपलेट का ना एक डिजिटल वर्जन बनाते हैं और उसको हम अपने कंप्यूटर में रख देते हैं, कोई भी हमारे आईपी एड्रेस पे मैसेज भेजेगा तो उसको हम पर्चा भेज देंगे, जब मैसेज भेजेगा ताज़ा तरीन पर्चा आएगा। सही नहीं हो गया ये? ठीक है, तो दुकान वाले ने क्या किया, अपनी दुकान में
एक कंप्यूटर रख लिया, उसको उसने बोला यार हर वक्त मैं ऑन रखूंगा, उसका एक आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस दुकान के बाहर भी लिख दिया, लोगों को बता दिया, कोई आया उसने कहा अच्छा यार आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ये हमारे यहाँ ऐसे खुलता है, सही है। जैसे कुछ अरसे पहले तक बोलते थे यार हमारी मोबाइल ऐप भी है, आप जाते थे ना कहते अरे आपके पास फ़ोन है, मोबाइल ऐप भी है हमारी, ठीक है। तो इसी तरह उस ज़माने में उन्होंने बताया होगा कि अच्छा यार आपके घर पर कंप्यूटर है, हमारे पास ये वेबसाइट खुलती है हमारी, हमारा आईपी एड्रेस ये है, लिखवा दिया उसको। अब वो क्या करेगा, घर जाएगा, जाके वो आईपी एड्रेस लिख के एंटर करेगा, मैसेज दुकान पे गया, दुकान से वो इमेज पूरी उठ के आ गई ताज़ा तरीन पम्फलेट। जब उसका फ़ोन नंबर चेंज होगा, जब रेट चेंज हो गया, वो उस पम्फलेट को वहाँ चेंज करेगा, तो वही नया वाला आएगा। उन्होंने बोला यार ये भी मज़ेदार नहीं है थोड़ा ना। अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बंदे की नीड बढ़ती है, तो उन्होंने बोला यार ये तो फोटो है, इसको बार बार फोटोशॉप खोलो, मतलब एडिट करो, फोटोशॉप तो खैर होता भी नहीं होगा उस ज़माने में, तो कोई भी जो भी होता होगा, तो उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मोर सोफिस्टिकेटेड। अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो होती थी उस ज़माने में, सी लैंग्वेज उस वक्त नई नई आई थी तो बहुत पॉपुलर थी। उन्होंने कहा कुछ प्रोग्रामिंग जैसा होना चाहिए कि मतलब डायनामिक चीज़ें हों, उसमें कुछ एनिमेशन भी लगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अब ना ऐसा पंफलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अदद लैंग्वेज चाहिए, एक अदद क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। अच्छा ये लैंग्वेज भी कोई नई लैंग्वेज नहीं थी, ये लैंग्वेज पहले से इस्तेमाल हो रही थी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। उस वक्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मौजूद थे मार्केट में जब HTML बनी है जिस वक्त, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोई आप बात लिखते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड की बात होगी अगर किसी को समझ में आया हो तो। ये जो जितने भी MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। MS वर्ड का हम नाम इसलिए जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके अलावा भी हज़ारों हैं, ठीक है। मैक में और लिनक्स में भी इनके बिल्ट इन पता नहीं टेक्स्ट एडिट के नाम से होता है, किस नाम से होता है, तो वो बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई भी आपने बात लिखी, सेलेक्ट किया, कंट्रोल भी दबाया, बोल्ड हो गया, उतना ही हिस्सा बोल्ड नज़र आ रहा है, बाकी नहीं नज़र आ रहा। तो मतलब उसी तर्ज की एक लैंग्वेज इन्होंने इस काम के लिए बनाई, जिसका नाम क्या रखा, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं, देखो आपने जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें किसी चीज़ पे आपने कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया, कोई मुश्किल वर्ड है मे बी आपको समझ ना आया हो, आपने अंडरलाइन कर दिया, किसी चीज़ को हाईलाइट कर दिया, किसी पेज पे आपने कोई स्टिकर लगा दिया, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड मार्कअप्स, ठीक है। आप चीज़ों को मार्क कर रहे हैं, कहीं पर टिक लगा दिया, कहीं पर क्रॉस लगा दिया, दीज आर मार्कअप्स। तो आप जैसे जर्नल तैयार करते हैं, मैट्रिक वगैरह के ज़माने में आपने देखा होगा जर्नल तैयार करते हैं लोग, तो वो जर्नल में जो कुछ आप कर रहे होते हैं ना, हेडिंग लगाते हैं, पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, फिर एक कलर से आप हेडिंग्स लिखते हैं, दूसरे कलर से आप आंसर लिख रहे होते हैं, लाइन वाइन बनाते हैं, समटाइम टेबल बना के डेटा को डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कॉल्ड मार्कअप। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक लैंग्वेज कि प्रोग्रामेटिकली आप वो जर्नल में जो आपने जर्नल बनाया ना मैट्रिक वाला, वो आप उसका डिजिटल वर्जन बना सकें, ठीक है। और जब उसको चेंज करना हो तो मुझे वो JPG इमेज नहीं होगी, उसको मुझे कार्ड प्रिंट करनी पड़े, मैं कोड चेंज करूँ और वो चेंज हो जाए। तो ये था आइडिया मार्कअप लैंग्वेज का, ठीक है। और ये उसी तर्ज का लैंग्वेज है जो ऑलरेडी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहा था, तो इन्होंने वो बना दिया। तो ये HTML का पहला दौर था, HTML 1। अच्छा उसमें अभी हम वो हेलो वर्ल्ड भी करके देखेंगे, आज कोशिश करेंगे हम हेलो वर्ल्ड कर लें। तो ये इसकी शुरुआत ना यहाँ से हुई है, ये समझ में आया कैसे हुआ ये सारा कुछ। अच्छा फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है मजीद फास्ट होते चले गए, HTML में मजीद चीज़ें ऐड होती चली गई, जाहिर है उस वक्त जो HTML बनी थी आज उससे बहुत एडवांस लेवल की HTML बन चुकी है वो, ठीक है। जाहिर है जो चीज़ बनती है वो बिल्कुल बेसिक होती है, अगर आपने किसी ने पहली वर्ल्ड की पहली कार किसी ने देखी हो, अगर भेजी है किसी ने, इमेजिन कर सकते हो चलते कैसे होगी, जैसे जनरेटर नहीं स्टार्ट करते थे खींच के, ऐसे किक मारते थे और भ्रज 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 पता नहीं पटाखे मारते हुए जाती थी, मतलब नॉर्मल था उसका ये, अभी तो पटाखे मारते ना पलक शार्ट हुई है, नहीं नहीं भाई वो नॉर्मल था, और वो ऐसा धुआं हुआ होता था, मतलब धुआं उस वक्त स्वैग था यार, धुआं मारते हुए आ रहे हैं। गूगल करने जाके वर्ल्ड फर्स्ट कार की ना वीडियो वीडियो मौजूद है उसकी, रोल्स रॉयस ने पता नहीं किसने बनाई थी, वो फोर्ड ने बनाई थी, बहुत ही वाहियात थी, सही है। अच्छा तो ये हमने कहानी सुनी है HTML की। तो अभी ये HTML का पहला चैप्टर है,
जो उस वक्त उन लोगों ने बनाई थी मार्कअप लैंग्वेज, उसका पहला चैप्टर है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बनती है उसका पहले स्ट्रक्चर बनता, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो बनता है, पेंट वेंट कलर वलर बाद में होता है। तो इसमें भी पेंट वगैरह कलर की फिनिशिंग की कोई बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की बात होगी इस शुरू के 8 चैप्टर्स में। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर समझते क्या है। वी केम अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एवरी डे इन आवर लाइव्स, न्यूज़पेपर, इंश्योरेंस फॉर्म, शॉप कैटलॉग एंड लिस्ट गोज ऑन। हम अपने ज़िंदगी में रोज़मर्रा में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से गुजरते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स ही हो सकते हैं। मैनी वेब पेजेस एक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। कह रहे हैं कि जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो आमतौर पर उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होती है, राइट। ये वो बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये इसने एक हेलो वर्ल्ड वेबसाइट बनाकर दिखाई है, जो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको बनानी आ जानी चाहिए, ठीक है, ये वो बना रहा है। हाउ पेज यूजेस स्ट्रक्चर, थिंक अबाउट द स्टोरीज यू रीड इन न्यूज़पेपर। फॉर ईच स्टोरी देयर विल बी अ हेडलाइन, सम टेक्स्ट एंड पॉसिबली सम इमेजेस। कह रहे हैं आप अपने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसको आप देखें, उसको सोचें आप, वो क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, थोड़ी सी इमेज होती है, एक हेडलाइन होती है बड़ी सी, इस तरह से वो हुआ हुआ होता है। इफ़ द आर्टिकल इज लॉन्ग देयर मे बी सब हेडिंग्स दैट स्प्लिट द स्टोरी इनटू सेपरेट सेक्शंस, कोट्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर स्टोरी लंबी है तो उसमें मल्टीपल उसके सेक्शन बना के उसने सब हेडिंग बना के डिवाइड किया हुआ होता है। द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर व्हेन अ न्यूज़पेपर स्टोरी इज व्यूड ऑनलाइन। कह रहे हैं कि ऑनलाइन में भी क्या करेंगे, यही करेंगे ना, और कोई मतलब अलग तो नहीं कर देंगे बिल्कुल ही, ठीक है। ऑल्दो इट मे बी ऑल्सो फीचर ऑडियो एंड वीडियो। कह रहे हैं कि मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ऑडियो और वीडियो भी शामिल हो जाएगी। दिस इज इलस्ट्रेटेड ऑन द राइट पेज, मतलब इस अगले पेज पे कह रहे हैं यही बात हमने बनाकर दिखाई है। नाउ थिंक अबाउट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि आप अब न्यूज़पेपर आप सोच लिया, अब इंश्योरेंस फॉर्म को सोचो आप, एक बहुत ही मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट। एन इंश्योरेंस फॉर्म often have headings for different sections and each section contain a list of questions with area to fill the details, check boxes, tick, again structure is very similar online। कह रहे हैं कि आप फॉर्म देखें ना, इसमें बहुत सारा लंबा सा होता है, अलग अलग डिटेल के लिए अलग अलग टाइप के खाने बने हुए होते हैं, कहीं पर टिक लगाने का ऑप्शन होता है, कहीं पर नाम लिखने का ऑप्शन होता है, कहीं पर जो है वो आपको बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है, कहीं पर छोटा सा दिया जाता है, तो कई मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके मुख्तलिफ तरह का आंसर देने का खाना बना हुआ होता है। कह रहे हैं वही चीज़ आप ऑनलाइन सोचो, ठीक है, फेसबुक का साइनअप फॉर्म या गूगल का साइनअप फॉर्म, काइंड ऑफ सेम थिंग। या अगर आप कहीं एक्चुअल इंश्योरेंस का फॉर्म अगर खोलेंगे आप किसी वेबसाइट पर, जैसे EFU Jubilee वगैरह यहाँ पे हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो उनके आप फॉर्म अगर खोलेंगे तो वो सेम चीज़ वेब पेज में होगी जो पेपर पर होती थी। तो ये वही बात इसने डिस्कस की जो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, ये एम एस वर्ड वाले वर्ड की बात हो रही है। ये असल में कंपेयर कर रहा है कि जैसे एम एस वर्ड में करते हो ना वैसे ही HTML में होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करते हैं एम एस वर्ड में, ठीक है, एक हेडिंग लगाते हैं, फिर एक पैराग्राफ, फिर नीचे दो सब हेडिंग्स हैं, दोनों सब हेडिंग की अलग अलग पैराग्राफ। अब ये कुछ इस तरह का इसने क्या बना दिया, एम एस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना दिया। अब ये कह रहा है कि भाई इसी तरह से आप ना HTML में भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना उसका कोड है, ये वाला क्या है उसका कोड है, जो ऊपर उसने कोड बनाया था ना कि HTML में ही ऐसे बनेगा, ये उसका कोड है, ठीक है। इस कोड को जब हम लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा आएगा, सही है जी। बस दो मिनट में भेजता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये कोड यहाँ से कॉपी करना है, हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा ये कोड आप कॉपी ना करें, हाथ से देख के टाइप कर लें, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कहाँ गया हमारा टेक्स्ट एडिटर, गायब हो गया, चलो दोबारा खोल लेते हैं, ये खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ गया, मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बना लूँगा, फाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है। अगर आपने फाइल का नाम index.html नहीं रखा तो आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा,
नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसका नाम होना ज़रूरी है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये क्यों होना ज़रूरी है, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में वो पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसका नाम चेंज करेंगे और वो प्रॉब्लम आएगी, नाम वापस इंडेक्स करेंगे, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, सही है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल, क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं अभी, राइट। अच्छा, और वो सारा का सारा कोड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट करके सेव का बटन दबा दिया, सही है। और राइट क्लिक करके ना इसको मैंने फॉर्मेट, ये देख रहे हो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये मैंने प्रेस कर दिया। उससे क्या होता है कोड थोड़ा सा अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, इंडेंटेशन इसकी हो गई खुद से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करने लगा हूँ, तो ये वही कोड है एग्जैक्टली जो बुक में लिखा हुआ था, वो मैंने सीधा सीधा लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब HTML का मैंने कोड तो लिख लिया, अब ये कोड से जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो क्या डॉक्यूमेंट बनाया है उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। इसको मैं वेब ब्राउज़र में खोलूँगा, मुझे दिख जाएगा क्या डॉक्यूमेंट बना है। वेब ब्राउज़र में खोलने के दो तरीके हैं, नंबर एक आप उसी फोल्डर में चले जाएँ। जब इस फोल्डर में जाऊँगा मैं, तो आप देखें इसके ऊपर ना गूगल क्रोम पहले से बना हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर .html लगा हुआ है, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्रोम पर ये पूरा का पूरा पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि भाई फोल्डर में इतनी दूर कौन जाएगा, तो आप यहीं पे VS Code में क्या करेंगे, इस जगह पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना index.html, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और करेंगे कॉपी पाथ, सही है। और कॉपी पाथ करने के बाद या पाथ यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो भी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो आप फोल्डर से जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, VS Code से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, तो आप नोट करें कि कुछ उसी तरह की चीज़ बन गई है, कुछ उसी तरह की चीज़ बन के सामने आ गई है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, किसका भला, HTML का। अच्छा, HTML का हेलो वर्ल्ड हमारे पास हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, पहले एक फाइल थी है, अब एक और फाइल बन गई है, ठीक है। इस पे देखो U लिखा हुआ है, U का मतलब क्या है, अनट्रैक। ये मुझे कौन बता रहा है U, ये गिट बता रहा है मुझे, कह रहा है ये फाइल ना अनट्रैक है, अभी तक ये गई नहीं है गिट पे। तो मैंने क्या करना है, इसको गिट में पुश कर देना है। मैं जाता हूँ जल्दी से, लिखूँगा गिट एड डॉट, सही है, गिट कमिट माइनस एम और माई फर्स्ट HTML पेज, एंटर, और गिट पुश, एंटर। ये तमाम की तमाम चेंजेस को मैंने कहाँ पुश कर दिया, github.com पे पुश कर दिया, राइट, सही है, पुश हो गया। अब मैं जाके उधर रिफ्रेश करूँगा तो वहाँ पे ये HTML का पेज नज़र मुझे आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो पहले सिर्फ एक फाइल थी, अब दो फाइल हो गई है। अच्छा, अभी आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, नमाज़ पढ़ के जब आप आएंगे तो एक छोटी सी चीज़ और करके हम फिर उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगर आपको नमाज़ में ऊपर जगह ना मिले